नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, घर में शादी लायक बच्चे हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। घर में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। जब आपके गुरु कमजोर होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त होती है। आप देखो, रामायण में भी कहा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विभूति निदाना। जहाँ जिस घर में कुमति है वहाँ तरह तरह की विपत्तियाँ आती हैं, जहाँ सुमति है वहाँ हर तरह की संपत्ति आती है। गुरु अगर आपके कमजोर होंगे तो आपका मन न पूजा पाठ में लगेगा, न पढ़ाई लिखाई में लगेगा, शादीशुदा जिंदगी भी आपकी अच्छी नहीं चलेगी, बच्चे भी आपके शिष्टाचारी नहीं होंगे। आप देखना, कई घरों में माता पिता के ऊपर बच्चे पुलिस केस करते हैं, माता पिता के साथ इतनी गंदी लैंग्वेज में बात करते हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये हमारी संस्कृति है। नहीं, तो ये सब कुछ होता है जब गुरु आपके कमजोर होते हैं। गुरु अगर आपको परेशान करने लग गए तो व्यक्ति के घर उजड़ जाते हैं, क्योंकि गुरु ही एक मात्र वो ग्रह है जो कुंडली के बाकी ग्रह यदि कमजोर है और गुरु अकेला ही मजबूत बैठा है तो सब कुछ संभाल लेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर शांति होती है, ज्ञान होता है, सही निर्णय शक्ति होती है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको गुरु को मजबूत बनाना है, पुखराज धारण करें। पुखराज हर व्यक्ति धारण कर सकता है और ये कोई बहुत महंगा नहीं आता है, और हमारे यहाँ से ये अभी मंत्रित मिल जाएगा। आप इसे जरूर मंगवाएं और पहने। इसके सिवाय सेट्रिन आता है, सेट्रिन का आप रोफोम भी मंगवा सकते हैं, इसका ब्रेसलेट मंगवा सकते हैं, इसे भी आप धारण कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप घर में सेट्रिन रखेंगे उतने आपके गुरु मजबूत बनेंगे। और स्पेशली जिनके जन्म तारीख 3 है, 12 है, 30 है, 21 है, ये तो बिना भूले घर में सेट्रिन जरूर रखें और पुखराज धारण करें। गुरु से जुड़े हुए तमाम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। घर घर हो जाएगा, घर घर नहीं, घर मंदिर हो जाता है अगर गुरु की आपके ऊपर कृपा बरसती है। हर गुरुवार के दिन भगवान नारायण के सामने गुरु दत्तात्रेय, गुरु बृहस्पति, भगवान राम या कृष्ण के आगे, मतलब भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के आगे आप घी का एक दिया लगाएं, गाय के घी का दिया, अगरबत्ती लगाएं और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जितना ज्यादा हो सके दोस्तों उतना ज्यादा इसका जाप करें। घर में गेंदे के 3 पौधे जरूर लगा करके रखें, घर की पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में, इससे भी गुरु मजबूत बनते हैं। दूसरा, गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के पीले चंदन का दान करें। भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जा सकते हैं। अभी इस बार सावन महीना 58 दिन का आ रहा है, जिसमें अधिक मास भी बीच में से चालू हो जाएगा, तो आप अधिक मास में भी इस क्रिया को कर सकते हैं, पीले चंदन का दान करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मंदिर में जाए, पीला चंदन रख करके आ जाए, शिवालय में भी दान कर सकते हैं, सावन महीना है, तमाम समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। करके देखिए, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। चैनल के अकॉर्डिंग कोई सुझाव हो देने लायक तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। जय श्री कृष्ण।